जय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाम जय। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद जिब्रान राइट नाउ एज अमरोज खान इन फ्रंट ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमा एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर सबीका फ्रॉम मेरे हमनशी। और आज हम पुशिया मैगजीन के सेगमेंट में है जहाँ पे हम सारे लोगों के घर वालों के बारे में बातें करेंगे। और ये मेरे को अजीब से कपड़े फटे पुराने पहना के यहाँ बैठा दिया है, देखो इनकी हालत देखो, इनकी क्लास लेते हैं अभी फूशिया की। लेट्स सी हम क्या बात करने वाले हैं या मुझसे क्या पूछने वाले हैं। वैसे चीन अच्छी लग रही है दरअसल। यू लाइक दिस? यस। ओके, ये क्या खुजस्ता ने तोहफे में दिया या ये किसी और ने दिया? चलो भाई पूछो। चलिए मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम पिक्चर्स के बारे में बताऊंगी, दिखाऊंगी नहीं, एंड यू हैव टू टेल मी ये किसने पोस्ट किया हुआ हो सकता है। नोइंग जितना आप जानती हैं अपने कोस्टार्स को या अपने कैरेक्टर्स को, कौन से आपके कोस्टार हैं या कौन सी कोस्टार हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बिल्ली के साथ पिक्चर पोस्ट की थी? हु कुड हैव पोस्टेड अ पिक्चर विद अ पेट? पेट्स किसको पसंद है? शहजाद को भी पसंद है, हारिस को भी पसंद है। चलिए मैं इतना हिंट देती हूँ, फीमेल है। फीमेल है तो कर सकती है, फिर तो हिबा ही होगी। यस, look at this picture. Oh, this is so cute. Very nice. Oy, I think I've seen this picture. Hiba ko uske then fiance now husband ne Sawat mein surprise diya tha visit karke. Cute, nice. Aur details bataye? Haan, wo ek din sham mein bas shoot khatam hui aur wo gayi hai aur bhai samne khada tha aur she was like kaun se co-star hain jinhone motorcycle pe baith ke tasveer post ki hogi? Shahzad. अब ये लड़की है कि लड़का? हिंट दे चुकी हूँ मैं आपसे। ओके, तो ये पर होगी हिबा बुखारी। शांति, आप तो बड़ी तेज है, कैसे आपने गेस किया कि हिबा होगी? क्योंकि ये वो कर सकती है, लड़के तो मोटरसाइकिल पे बैठेंगे कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन लड़की ही बैठी है। तो बट इज शी द काइंड जो एडवेंचरस होगा? आई डोंट थिंक सो। ओह वाओ, oh, that's like a very girly kind of bike. She would ride that, I think. Yeah. मुझे लगा शायद heavy bike है उसपे। बहुत adventurous नहीं लगती मुझे है बाप। मेरा नहीं ख्याल। हाँ। नहीं। जब हम लोग बाहर पे थे, जब हम शूट कर रहे थे, तो फिर उसने मुझे बोला, हम दोनों बहुत ऐसे कहते थे, अब हम क्या खाएंगे, हमें हर वक्त ये परेशानी होती थी। फिर हम बस गाड़ी पे निकल जाते थे और काकू के आ जाते थे अकेले। सवात ने अकेले ड्राइवर के साथ गए, सूप पिया, गाना गाया और अकेले आ गए वापस। बाकी किसी को नहीं लेके जाते थे? आप दोनों हम पूछते थे सबसे कि क्या खाओगे, कहते वो हमसे भी पहले के खा के आ गए होते थे। तो हम दोनों एंड पे बचते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक दूसरे को जाने का मौका तो कम मिला। शी इज अ वंडरफुल पर्सन, मिलते तो रहते हैं, लेकिन वो सेट पे तो ऐसा था कि हम लोग जब सुबह 6-7 बजे कॉल टाइम होता था, और जब आप आउटडोर गए होते हैं तो आपको ये होता है कि आपके जो 40 डेज का काम है वो 30 में करके हम लोग वापस घर आ जाएं। सो वी यूज टू लाइक वेयर ऑल डे हम काम ही करते थे, और रात को हम 8-9 बजे, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो इतने थक जाते थे वो सर्दी में, यू वॉन्ट टू गेट कोजी टू योर रूम विद हीटर्स एंड ऑल दैट। सो ये रूटीन रही, बट अदरवाइज अभी ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट मुझे लगा मैं ज़्यादा हिबा से गपशप हुई, and she is a lovely person, she is very talented, she looks very good on screen and kaam bhi bahut acha karti hai. Acha, aapki kaun si co-star hai jinhone ek bade se dinosaur mein apna sar dalte hue tasveer post ki bhi ho sakti hai? ye amroz lala bhi kar sakta hai, lekin ye shehzad nahi. Shehzad ne kiya hai ye jo ladke hai na hamare, ye kuch bhi kar sakte hai, ye kuch bhi, ye pahadon mein reh reh ke pagal ho gaya hai, kuch bhi शेयर के मुंह में भी सर रख सकता है अपना। अच्छा जी, कौन है आपके को स्टार्स में से जिन्होंने अपने नाम का बोर्ड उठा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होगा अभी रिसेंटली? अपना Who could do that? अपना नाम? एहसन। एहसन? नहीं नहीं। Would he do something like that? Because he loves his name and himself. I could expect it. I think he has a funny bone. वो जिसको शहजाद आजकल मार रहा है, हारिस को। हाँ? हारिस होगा, क्योंकि वो ऐसी छिछोरी हरकत कर सकता है अगर सोचा जाए। लेकिन वो उसका ये मसला है कि वो करता है जो हम आम लोग नहीं सोच सकता। हारिस? यस, है ना? या यही दो लोग मैं दिमाग में आ सकते हैं जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। हारिस
जितना आप जानते हैं तो वो अपना प्ले कार्ड उठा के इतना है कि वो शो ऑफ कर रहे हो कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वैसे कोई और वजह होगी। हारिस थोड़ा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की जब बात होती है मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा आर्टी सा है, ही इज डिफरेंट, ही डजंट वांट टू डू यूजुअल स्टफ आई थिंक, इसलिए मैंने आ रहा क्योंकि बाकी अमरोज लाला और दरगजई कजिस्ता शहजाद ये सब लोग ऐसे वाले नहीं हैं, लाइक ये एक 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 डायरेक्शन में चलते हैं। आरएस का अपना दिमाग का कुछ ढीला है, वो अपने में ही खुश है। अच्छा, किसने एक पूरे खाने की डिश की तस्वीर फुल स्टेक की यू नो सर्विंग इन फ्रंट ऑफ जिब्रान? ये जिब्रान का अपना रेस्टोरेंट होगा ना? ये तो बहुत ही मेल बेस्ड है क्योंकि हमारे यहाँ तीनों लड़कों को गोश्त खाने का शौक है। अच्छा, उसकी पब्लिसिटी कर रहा होगा। हाँ, उसका वो अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करता है तो इस्लामाबाद में। आई थिंक जिब्रान। कैसे कैसे क्योंकि मैं सोच रही हूँ शहजाद मैंने कर लिया, हारिस कर लिया, जिब्रान रह गया। बहुत डाइट कॉन्शियस भी है आदमी, अपने आप का बड़ा ख्याल रखता है। तो स्टेक काइंड ऑफ मूड उन्होंने किया हुआ है। आई थिंक मेरा बड़ा भाई बनने के बाद ये ज्यादा ख्याल रखने लग पड़ा अपना। प्रेशर डाल रहे थे आप कि यार तू बड़ा अब हो गया, बस तू बड़ा भाई है। और कौन है जिन्होंने अवार्ड्स के साथ तस्वीर पोस्ट की होगी? यार अवार्ड एहसन कोई मिले होंगे बहुत सारे। अमरोस नहीं, वो होगा क्या उसका नाम है, दरगजई होगा, दरगजई ने किया होगा ये। दरगजई ऐसे ही हर चीज कंधे पे उठा के घूमता रहता है ना एहसन। ये सही है, ये तो आसान था। क्यों क्यों व्हाई वुड यू से दैट? हम में से कौन है ऐसा जिसको अवार्ड्स मिले होंगे? उसको हर चीज का अवार्ड मिल जाता है, उसको जिस दिन अवार्ड नहीं मिलता वो अवार्ड ले आता है एक जाके। भाभी का चमचा फिर भी, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी, कभी कभी नहीं सुनी। लेकिन मैंने बोला अमरोज लाला को कि मैं समझाऊंगी उसको, लेकिन मैं नहीं समझा सकती। बट ही इज रियली नाइस, और वो हमेशा बोलता है कि बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब वो ऐसे करके बैठ जाता है ना फिर वो सबसे अच्छा लगता है। हम सब हंसते थे उस सीन पे। एहसन से ये पूछे कि उसको लाहौर में रोड के बीच में किसने रोक के गाड़ी से बाहर निकाला था? बस, आप तो नहीं थे? नहीं नहीं, मैंने नहीं थे, बाकी वो बताएगा। चलिए, नाउ वी हैव टू कैच हिम एंड वी हैव टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन। और जब जब भी किसी बंदे का काम हो रहा होता था ऐसे वाला क्लोज, तो ऐसे ही करता था, ऐसे करता है करता है सब। पर एक दिन मैंने भी ऐसे किया, उसका क्लोज हो रहा था, हम इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे, कहता आइंदा कभी तेरे साथ नहीं करूंगा, बस ये करने दे। कौन है जिन्होंने स्विमिंग पूल में विद द बैकग्राउंड ऑफ द सिटी पोस्ट कर रहे हो सकते हैं या कर रही हो सकती हैं? कौन है? रेहान शेख। रेहान नहीं, नहीं। मेरा दिल कर रहा है रेहान भाई को मैं देखूं पूल में। वैसे पूल में कोई छोटा सा कच्छा पहना है रेहान भाई ने। शहजाद। How do you know that? Shirtless hai, by the way. ये hint दे दूँ, जो भी है। तो कह रहे हैं भाई swimming costume पहन के swimming नहीं कर सकते क्या? मैंने तो कुछ नहीं बोला। Swimming pool में मतलब background of the city शहजाद होगा। कैसे? वो daring है। सही जवाब। Yes, वो daring है, वो कर सकता है। वो कर सकता है। शहजाद होगा। Yes। शहजाद ने कब किया यार? शहजाद बड़ा hero पर style मार रहा है यार। मैंने नहीं देखी उसकी तस्वीर। वैसे वो hero बनते हैं set पे? शहजाद है हीरो। अच्छा, नाइस नाइस गेटअवे। इसमें मेरे दिमाग में दो ही लोग आ सकते हैं, शहजाद और हारिस। व्हाई? बिकॉज़ दे वुड डू समथिंग लाइक दैट। हम जब शूट भी कर रहे थे, ये पिक्चर है, जब हम शूट भी कर रहे थे तो हमारा एक पूल था, हारिस के बहुत सारे उसमें सीन्स होते थे, लेकिन हम सब उस पूल को खड़े होकर हसरत से देख रहे होते थे। सो आई कैन इमेजिन, नो आई थिंक शहजाद एंजॉयज स्विमिंग एंड फन टू बी अराउंड, हर वक्त मस्ती और उसके मूड में रहता है। और मुझे डन करके 6 बार के मेरे रेस्टोरेंट जाऊंगा, नहीं गया नहीं गए तो शहजाद, मुझे शहजाद से यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज सच अ हम्बल। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार कितनी अच्छी इन दोनों बहन भाइयों की ट्रेनिंग की हुई है, शेख साहब ने और उनकी अम्मा ने, आंटी ने, देर सो गुड, देर लाइक देर गुड। आई मीन यू कैन टेल के बहुत ही अच्छे हैं यार,
I really have a lot of respect and regard for Sheikh Sab and their family. Thank you so much for your time. Did you have fun doing this segment? Yes, it was lots of fun. कोई cast के बारे में एक last line आप बोलना चाहेंगी या director के बारे में? I think I have always loved the project the day I started doing it, the day I read the script, and I must say Ali Faizan ने इसको और भी enhance कर दिया अच्छा. लेकिन वो क्योंकि production इतनी अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं देखा कि कभी director ने प्रोडक्शन हाउस से अब्दुल्ला कादवानी भाई से या असद भाई से कुछ मांगा हो, कुछ चाहिए हो कोई एक्टर्स की किसी भी तरह से, तो दे नेवर यू नो से नो. सो दे गो ऑल द वे यू नो, लाइक बल्कि आउट ऑफ द वे जाके अपनी स्क्रीन के मामले में दे वेरी वेरी यू नो व्हाट यू से डिटरमिंड एंड दे वर्क रियली हार्ड के कुछ अलग से नजर आए कुछ अच्छा. दे लाइक इट, आई थिंक वो अप्रिशिएट करते हैं जब कुछ चीज अच्छी होती है. ओके, सो अमरोज आगे हमें हमारा दिल जीतेगा या हमें गुस्सा दिलाएगा? अमरोज, अमरोज दिल जीतता रहा है और दिल जीतता रहेगा. बहुत शुक्रिया. अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, देखना मत भूलना. अली फैजान इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विद. नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन ही स्माइल्स द एंटायर रूम लाइट्स अप, देयर इज नो डाउट. हमारे आज भी सेट पे हम सब ये कहते हैं जब फैजान स्माइल करता है ना तो उसका पूरा चेहरा स्माइल करता है. सो दैट एनर्जी इज अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस. तो अब अगर दरगज़ई को आप एक गाना डेडिकेट करें तो कौन सा गाना होगा? और चैलेंज करो तो दरगज़ई के एक्सेंट में अगर आप गाएं तो. नहीं, मुझे डेडिकेट क्या दरगज़ई, आई थिंक वो एक बड़ा अंदर से रोमांटिक इंसान है. आपने भी देखा होगा रिसेंट एपिसोड शुरू शुरू में बहुत वो अखड़ और वो जो टिपिकली एक फसाड होता है आदमियों कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यंग लोगों में कि वो एक अपने ट्राइब या अपने एरिया या अपने जो एक उनका जो नॉर्म होता है उससे वो हट के कुछ करना नहीं चाह रहे होते, वो चाहते हैं उसके ऊपर कायम रहे हर चीज़, लेकिन अंदर से वो दिल के अच्छे भी लोग होते हैं. तो ये तो आई थिंक दरअसल रोमांटिक आदमी है. थैंक यू सो मच ऑन दिस नोट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. क्या गाएगा? सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. यही करेगा ना वो डेडिकेट किसी अपनी चाहने वाली को. थैंक यू. प्लेजर.